दरअसल दोस्तों परिणीति चोपड़ा का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि परिणीति चोपड़ा एयरपोर्ट पर वॉक करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पैप्स ने उन्हें घेर लिया और अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। इसके बाद से उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि परिणीति चोपड़ा खुद की बेबी बम को हाइड करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में जैसे ही लोगों ने इस वीडियो को देखा, फैंस ने कयास लगाना शुरू कर दी कि परिणीति चोपड़ा प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही गुड न्यूज सुनाने जा रही हैं। यहाँ दीपिका पादुकोण को लेने के बाद, यानी कि उनकी प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद, अब परिणीति चोपड़ा की प्रेगनेंसी की खबरों की कयास लगाई जाने लगी है। इससे पहले भी एक्ट्रेस को एयरपोर्ट पर हाल ही में स्पॉट किया गया था। उस दौरान एक्ट्रेस को ढीली ढाली व्हाइट शर्ट में देखा गया था। इसमें उनका लुक देखते ही बन रहा था। समय जैसे ये वीडियो सामने आई तो उनकी प्रेगनेंसी की चर्चा हो गई थी। कहा जा रहा था कि उन्होंने ढीली ढाली शर्ट में बेबी बम को छुपाने की कोशिश की है और वो प्रेग्नेंट हैं। हालांकि इस मामले पर परिणीति चोपड़ा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब पिछले काफी दिनों से इन आई हुई अफवाहों पर परिणीति चोपड़ा ने खुद चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की एक स्टोरी पर पोस्ट भी शेयर की है। दरअसल इस पोस्ट में परिणीति ने अफतान ड्रेस इज इक्वल टू प्रेगनेंसी, साइज शर्ट इज इक्वल टू प्रेगनेंसी, कम्फी इंडियन कुर्ता इज इक्वल टू प्रेगनेंसी .. परिणीति चोपड़ा की इस पोस्ट ने साफ कर दिया है कि एक्ट्रेस फिलहाल प्रेग्नेंट नहीं है और वो अपनी फिल्म अपकमिंग चमकीला पर ध्यान दे रही हैं। बात करें चमकीला की तो परिणीत और दिलजीत की फिल्म पंजाब के सुपरस्टार सिंगर की लाइफ स्टोरी पर बनाई गई है, जिनका स्टेज पर मर्डर कर दिया गया था। बल्कि आपको भी लगता है कि इस तरह परिणीति चोपड़ा को ढीले ढाले ड्रेसेस में देखने के बाद वो अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज को फिलहाल छुपा कर ही रखेंगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।